नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा को भारत से ज्यादा इसराइल में तवज्जो दी जा रही है। इसराइल मीडिया इसे ऐतिहासिक बता रहा है। जाहिर है आधी दुनिया के निशाने पर रहे इसराइल के लिए ये स्वर्णिम अवसर है। इस 3 दिवसीय यात्रा में दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापार संबंधी कई समझौते होने की उम्मीद है। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा से इसराइल को फायदा ही फायदा होगा। इसराइल पर मानवाधिकार उल्लंघन के लगातार आरोप लगते रहे हैं। इसके दोस्त कम और उसे नापसंद करने वालों की फहरिस्त लंबी है, जिसमें अरब देशों के साथ चीन और पाकिस्तान भी शामिल है। इसराइल ने एयरबोर्न वार्निंग एंड ट्रोल सिस्टम भारत को दिया है, जबकि चीन को उसने इसे बेचने से इनकार कर दिया था। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद चीन और भारत के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पड़ोसियों से तनाव, वहीं दूसरी ओर भारत के परंपरागत मित्र कहे जाने वाले अरब देशों के कट्टर विरोधी देश की इस यात्रा के दूरगामी असर होने के आसार हैं। यही है हमारा आज का विशेष, दुनिया के बदलते समीकरण। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इजराइल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत को मोदी की इस यात्रा से बहुत कुछ हासिल होने की उम्मीदें हैं, लेकिन जानकारों का मानना है इजराइल में पीएम मोदी के स्वागत में जो गर्मजोशी दिखाई जा रही है, उसका कारण है इसराइल को भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा फायदा होना। इसराइल भारत की दोस्ती का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट के साथ एशिया के दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेसी में भी कर सकता है। इसराइल अपने अगल बगल विरोधी देशों से घिरा हुआ है और ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक उसका विरोध किया जाता रहा है, जबकि भारत के इन सभी देशों के साथ अच्छे संबंध है। अपनी आज़ादी के 69 साल बाद भी इसराइल की दिक्कत ये है, उसे भारत शरी की मान्यता नहीं मिल पाई है, क्योंकि जिस तरह उसने फिलिस्तीन को तोड़कर नया देश बनाया उससे उसके विरोधी ज्यादा हैं। भारत से ही महज 25 बरस पहले उसके कूटनीतिक संबंध शुरू हुए हैं। इस दौरे से भारत को भी बड़ी उम्मीदें हैं। एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक और बराक 8 एयर डिफेंस मिसाइल की डील भी हो सकती है। भारत इसराइल के कारोबार में भी इजाफा होने की उम्मीदें हैं। पीएम मोदी को अमेरिका में मिली खास तवज्जो से जहां भारत खुश नजर आ रहा है, तो वहीं चीन और पाकिस्तान को इससे निराशा हाथ लगी है। सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने को भारत में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया, लेकिन पाकिस्तान में सलाउद्दीन के समर्थन में रैलियां निकलने लगी और पाकिस्तान ने उसे आतंकी नहीं स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दे डाला और उसकी सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं अमेरिकी दौरे के बाद से ही भारत और चीन के संबंधों में खटास शुरू हो गई है। अरुणाचल से लेकर हिंद महासागर तक दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं। मीडिया की अगर माने तो हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। इसराइल भारत का हर मोर्चे पर समर्थन करता रहा है, चाहे वो आतंकवाद हो या फिर कश्मीर का मुद्दा, लेकिन इसराइल को पसंद करने वालों की लिस्ट बहुत छोटी है, जबकि अफगानिस्तान से लेकर फिलिस्तीन तक उसके विरोधी हैं, जिसमें चीन बड़ा वजूद रखता है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक समीक्षक राजेश सिरोठिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता हिदायतुल्ला, कांग्रेस के नेता दुर्गेश शर्मा और मुस्लिम मामलों के जानकार और इस तरह के विदेशी मामलों के भी जानकार मोहम्मद माहिर खान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राय सोटी, अगर मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूँ इस मामले में, इसलिए कि भारत के राजनयिक संबंध महज 25 साल पहले हुए हैं, जाहिर सी बात है ऐसी कई वजह हैं जिनकी वजह से एक दूरी भारत की पूर्ववर्ती सरकारें बनाकर उन्होंने रखा, नरसिम्हा राव के दौर में एक राजनयिक संबंध बने, लेकिन ये पहले एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जिनके नाम इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि वो इसराइल गए और इसराइल में जिस तरह से गर्म जोशी से स्वागत हुआ, इसराइल जो उम्मीद करता है कि दुनिया के लोग वहाँ जाएं, उसको तरजीह दें, तवज्जो दें, और वो देखने को भी मिलता है। इसराइली मीडिया ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की।
देखिए ऐसा है कि भारत का जो सवाल है, भारत शुरुआत से अरब देशों के कारण भी और भारत में बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की है उनके कारण भी फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा को समर्थन देता आ रहा है और यासर अराफात को उन्होंने समर्थन भी दिया और उसको मान्यता भी दी। लेकिन जो अब हालात जो बदलते हालात की स्थिति है, जो भारत खुद जो है आतंकवाद को झेल रहा है जिसका दंश जो है इसराइल कई सालों से झेल रहा था, तो उस स्थिति में भारत ऐसे सारे देशों के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहता है जो कि आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी के साथ में और बहुत आक्रामकता के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका से भी भारत का झुकाव इसीलिए बड़ा, आपने पिछले दौर में देखा होगा नरेंद्र मोदी के आने के बाद खासतौर से इस बारे में ज़्यादा तेज़ी से पैर हुई है। बराक ओबामा थे और ट्रंप से भी उनकी मुलाकात हुई। तो भारत का जो सबसे पहली बार जो है इसराइल को भारत ने मान्यता नहीं दी थी 92 में नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल के दौरान पहली बार मान्यता मिली थी। और जहाँ तक भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष का इसराइल की यात्रा का सवाल है तो प्रधानमंत्री के रूप में 69 साल के भारत के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि इसराइल की यात्रा कर रहे हैं। इसके पहले पिछले साल तेल अभी हालांकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जा चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो और केंद्र की सरकार है वो आतंकवाद के खिलाफ अब बहुत कारगर और एक मतलब निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहती है। तो इसराइल ने चूंकि उसने आतंकवाद के दंश को बहुत लंबे समय तक झेला है तो उनके पास में बहुत वेल इक्विप्ड है मिलिट्री के हिसाब से और खुफिया तंत्र के हिसाब से, उनका सिस्टम बहुत काफ़ी वो है। नहीं तो इसके पहले भारत की जो देश और प्रदेश की सरकारें जब भेजती थी तो वहाँ की जो सिंचाई की टपक बूंद परियोजना जो है उसके लिए इसराइल जाते थे कि वहाँ वो कितने कम पानी में किस तरह से खेती करते हैं। तो अब जो आतंकवाद की जो फसल भारत में लहलाने लगी है तो उसको काउंटर करने के लिए टेररिज्म को किस तरह से किया जाए, ये यात्रा इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बात का ध्यान भारत सरकार को जरूर रखना पड़ेगा कि कहीं इससे उसके अरब मुल्कों के साथ संबंध खराब तो नहीं होते हैं, वो तो नहीं होता है। दूसरा भारत का अंदर का जो मुसलमान है वो कहीं हर्ट तो नहीं होता है, क्योंकि 62 लाख के आबादी वाला इसराइल में 75% यहूदी हैं, उसमें कुछ भारतीय मूल के यहूदी भी वहाँ रहते हैं। तो ये सब बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि केवल और केवल ये जो ट्रेड बढ़ाने की बात है, भारत भी कुछ ट्रेडिंग वहाँ करना चाहता है, लेकिन वहाँ के जो स्पेशलाइज्ड आर्म्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कश्मीर में बड़ा हंगामा मचा पैलेट गन्स को लेकर, पैलेट गन जो है वो इसराइल के द्वारा ही ईजाद है और वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है जो मोजाक जो है वो उसने तो पूरे विश्व में आपने देखा होगा किस तरह से वो आतंकवादियों के को ठिकाने लगाने का काम करती आई है। विश्व के दूसरे देशों में घुसकर भी उन्होंने जाके अपने विरोधी आतंकियों को मारा है। तो ये इस दृष्टि से अब भारत सरकार समझना चाहती कि कैसे हम आतंकवाद से लड़ाई लड़ें और उसमें जो भी चीज़ें कारगर साबित हो सकती हैं, चाहे हथियार हो या किसी का सहयोग हो, तो ये सब उस दृष्टि से मुझे लगता बिल्कुल, है बिल्कुल। दुर्गेश शर्मा आप क्या कहें? आदरणीय माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनका ये विदेशों का 65वां दौरा है, देश देख रहा है, आए दिन विदेशों में माननीय जाते हैं, कई राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं और हर देश में जाके वहाँ के भारतीयों से गुप्तगु करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, पर हमें कहीं भी आज तक ये देखने को नहीं मिला कि वे वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष के साथ में या वहाँ के राजनयिक के साथ में क्या चर्चाएं होती हैं, उसको कहीं अभी तक न्यूज़ चैनलों पे और उस पर देखने को नहीं मिलता। सामने परिणति के रूप में सरकार की तरफ से पक्ष जरूर रख दिया जाता है कि ये सरकार वहाँ गए थे, इस तरीके के समझौते हो गए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, पर धरातल पे अभी तक पिछले 3 वर्षों के अंदर एक भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली है कि माननीय मोदी जी के विदेश यात्रा से देश को कोई फ़ायदा हुआ हो। अलबत ये ज़रूर है कि हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं उनसे हमारी दूरियां बढ़ गई हैं। उन्होंने स्थिति ये रही कि जब चाइना के प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय जब हिंदुस्तान आए तो उनको अभी तक इतिहास में हर
राष्ट्राध्यक्ष आके दिल्ली में उतरता था, उनको अहमदाबाद में उतारा, बढ़िया झूला झुलवाया। और आज स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि चाइना हमारी सरजमी पे कब्जा करने की तैयारी में लगा हुआ है। तो ये जो विरोधाभासी स्थिति निकल के आती है, ये बहुत विचारणीय सोचनीय प्रश्न है कि आज आखिर मोदी जी जो आए दिन विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं, चाहे वो इसराइल जाएं, चाहे अमेरिका जाएं, अमेरिका दूसरी बार होके आ रहे हैं, पिछली बार गए थे तो सिलिकॉन वैली तक में घूम के आए थे, पर उसके बावजूद उन अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली। ना ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ के युवाओं को कहीं रोजगार मिल रहा हो, या विदेशों से कोई ऐसा स्कीम आई हो, या वहां से कोई इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आया हो, तो अभी तक हिंदुस्तान को कुछ मिला नहीं है। इसराइल भी होके आ रहे हैं, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अगर मैं इसराइल के दौरे के बारे में आपसे पूछूं जी, और उसका दुनिया में पड़ने वाले असर के बारे में पूछूं, क्या कहेंगे, उसमें क्या प्रतिक्रिया है? रिजवान जी, इसराइल का दौरा खास करके हमारे अरब कंट्रीज के हिसाब से थोड़ा सा सेंसिटिव दौरा है, और आज तक इसराइल एक तरीके से हमारे लिए वह साजो सामान मुहैया कराता है सैनिक साधनों के, उसके अलावा इसराइल से हमको ना कुछ मिल सकता है, ना ही इसराइल हमको कुछ दे सकता है, सिवाय जो उनका काम है वे हथियार बहुत बनाते हैं और नए नए हथियार बनाते हैं, उन हथियारों को हम खरीदते हैं, तो खरीदार हैं हम कायदे में। तो यदि हम खरीदार हैं तो हमारा एक अपर कदम है, क्योंकि वो व्यापारी है, वो बेचने आता है, तो कायदे में वो हमारे पास आता तो बात समझ में आती, हम पहले वहाँ गए हैं तो एक थोड़ा सा कहेंगे कि गर्म रेत पर हमने पैर रखा है, वो संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो छाले पड़ने में देर नहीं लगेगी। माहिर खान, आप कैसे देखते हैं एक पूरी दुनिया के मुसलमानों के नज़रिए से भी, भारतीय के नज़रिए से भी, और ये आतंकवाद से जो मुकाबला करने के बारे में जो एक सोच है, पूरी दुनिया को एकजुट करना है उसके नज़रिए से? देखिए, खाली मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं है, पूरा दुनिया के, ना कि भारत के मुसलमानों की सोच, बल्कि ज़्यादातर ममालिक जो हैं, ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं, वो इसराइल के मामले के अंदर उनकी बहुत ही स्पष्ट नीति है, वो ये मानकर चलते हैं कि इसराइल खुद ही, उसका वजूद ही नाजायज़ है। ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया की जो कॉन्स्पिरेसी थी, जो साजिश थी, उसके तहत वहाँ उनको ले आकर बसाया गया, और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ पांव फैलाना शुरू किए, तो वो खुद एक नाजायज़ कंट्री बना के बैठे हुआ है, और हम उससे किसी किस्म की तवक्को रखे, भारत रखे, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गैर वाजिब भी है और डिप्लोमेटिक तरीके से भी गलत है, क्योंकि अभी तक इसराइल का कोई ऐसा कारनामा, कोई ऐसी बात जो दुनिया को अपील करती हो, वो अभी तक समझ नज़र नहीं आती हैगी, सिवाय इसके अलावा कि उसने नाजायज़ कब्जा किया फ़लस्तीन के लोगों को। आप सब जानते हैं, सब लोगों को पता है कि निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाना, उन पर बॉम्बिंग करना, उनको प्रताड़ित करना, उनकी ज़मीन को हड़प लेना, और उसके बाद उनके हितों की रक्षा अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं करता, और इसलिए अमेरिका ने जो भी इसराइल के ख़िलाफ़ जिसने भी मुंह खोला, चाहे वो इराक हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे ट्यूनिसिया हो, जितने भी कंट्री, उसको सबको बर्बाद किया। और भारत की पॉलिसी शुरू से हमेशा तटस्थ रही है इसराइल को लेकर। इसराइल के लिए कभी भी भारत ने सॉफ्ट करना कर दिखाया है तो फ़लस्तीन के लिए दिखाया है, और फ़लस्तीन का ही हमेशा हक की आवाज़ उठाई, गांधी जी से लेकर और इंदिरा जी, राजीव जी, जितने भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरे, वो सारे के सारे लोग हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे, फ़लस्तीन के हक की बात करते रहे, यूएनओ हो चाहे यूएनओ से बाहर हो। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इसराइल गया है, और वहाँ जाकर वो क्या हासिल करना चाहते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। एक ऐसी जगह आप मदद मांगे टेररिज्म के मामले में, जो खुद ही दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हो, जो निहत्ते लोगों पर गोलियाँ चलाता हो, उन पर बॉम्बिंग करता हो, आप उससे टेररिज्म की मदद मांगे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप उससे? हम एक भरपूर ताकतवर राष्ट्र हैं, और हमारी एक अपनी हिंदुस्तान दुनिया में छवि है, वो बड़ी हमारी क्रेडिबिलिटी है। आखिर मतलब है कि हम अमेरिका या इसराइल से टेररिज्म के मामले के अंदर कोई मदद लेने जा ही क्यों रहेंगे? क्या हम सक्षम नहीं है जो हम उनकी मदद लेने हम जा रहेंगे?
हिदायतुल्लाह, आप क्या कहेंगे? बहुत सारी चीजें खड़ी हुई, कुछ थोड़ी सी बातें जो सही किस्म की थी वो राजेश जी ने करी उसके अंदर, और इस बात को सोचना और देखना पड़ेगा कि आज की हमारी जरूरतें क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं। दुर्गेश शर्मा जी तो कहाँ चले गए, क्योंकि एक राजनीतिक रूप से उनको मोदी जी जो प्रहार करने के मुझे मुझे लग रहा है आप एक आदमी को कोट करने के बजाय अपनी बात अगर हाँ तो मैं बता रहा हूँ वो बात है, लेकिन माई बहन ने अपनी बात कही। मैं बताऊँ की 1950 में उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान्यता दे दी, और नरसिम्हा राव के टाइम हमारे कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। ये बात सत्य है कि कोई देश का पहला प्रधानमंत्री इजराइल जा रहा है, लेकिन ये भी इसके साथ माहिर भाई को पता होगा कि हमारे कई मंत्री, हमारे कई राजनीतिक इजराइल जाते रहे, और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, हमारी पूर्ववर्ती सरकारें रही, उन सरकारों में भी जाते रहे। हमारे राष्ट्रपति गए, उनके राष्ट्रपति यहाँ, और आप सीधे टेररिज्म पे बात करते हैं, आप सीधे मिसाइल की बात करते हैं, ये सब चीजें होने वाली है। लेकिन इसराइल ने भी अगर भारत को सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ी चीज दी तो ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम का दिया, जो कि भारत के लिए भी एक बड़ी बात है। हमारे यहाँ भी एक लंबा इलाका है जो सूखा है, एक लंबा इलाका है जो रेगिस्तानी है। आप देख लीजिए, आज ही मैं पूरी रिपोर्ट देख रहा था, मुझे यहाँ आना था, कि जार्डन के अंदर का पूरा जो रेगिस्तान है, पूरा धूल का रेगिस्तान दिखता है, लेकिन जार्डन के बाद से जहां से इसराइल की सीमा शुरू होती है वो पूरा हरियाली का शुरू हो जाता है। हरियाणा के अंदर माहिर भाई बोल रहे थे हम उसे मांग क्या रहे हैं, हमको मिलने क्या वाला है। हरियाणा के अंदर उन्होंने, हमने इसराइल के सहयोग से एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट में हमने 80% पानी कम लगा, और वहां पर हमने उसके अंदर खेती करी। जो अगले साल जो हम नेशनल में वाटर सेव का कैंपेनिंग चलाने वाले हैं, वो कैंपेनिंग ही हम इसराइल के सहयोग से चलाने वाले हैं, क्योंकि आज पानी को लेकर परेशानी है। इसराइल खेती के मामले में कितना उन्नत है, और सिर्फ खेती के ही ना मामले में, पशुपालन का भी एक इतना बड़ा एक मामला है जिसको कभी देखा नहीं जाता, जिसके अंदर इसराइल ने बड़ी दक्षता हासिल करी है। कुछ चीजें शुतुरमुर्ग ऐसी चीजें जो इसराइल की एटमॉस्फेयर से मैच ही नहीं खाती है कि वहां पर कभी हो सकती है। इसराइल ने जब देखा कि वर्ल्ड वाइड दुनिया में उसकी डिमांड है, तो उसने हर डिमांड को अपने यहाँ पैदा करने की बात करी है। साइंटिफिक तरीके से वो आगे निश्चित तौर पर टेररिज्म के मामले में जो मोसाद की बात करी जाती है, निसंदेह दुनिया के अंदर उसको एक ऐसी बड़ी एजेंसी माना जाता है, वो दुनिया में उन देशों के अंदर भी जाकर अपने दुश्मनों को मार के आती है, क्योंकि उनके अंदर कोई दुश्मन आ नहीं जाना चाहिए, और ये सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रों के लिए नहीं होना। और अगर ये इस बात को माना जाए जो आज माही भाई बोल रहे थे या कांग्रेस शंका उठा रही थी कि इससे मुस्लिम राष्ट्र नाराज हो, मोदी जी ने 8-9 मुस्लिम राष्ट्र जो प्रमुख है, जिसके अंदर अफगानिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, कतर शामिल है, सऊदी अरब में तो उनको वहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया, उन सब देशों की यात्राएं अपने पहले हाफ में की। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद सीधे इसराइल नहीं गए, वो मुस्लिम राष्ट्र जो दुनिया में अपनी प्रमुख भूमिका रखते हैं, मोदी जी उन राष्ट्रों के साथ गए। अब दुर्गेश जी बोले थे वो वहां जाते हैं तो बात हमें पता ही नहीं चलता, बात क्या आती है, एक स्टेटमेंट आता है, तो दुर्गेश जी जो दो राष्ट्र अध्यक्ष दुनिया में कहीं भी बात करते हैं उनकी बातें कभी लाइव नहीं दिखाई जाती। अगर कभी मनमोहन सिंह जी भी गए होंगे तो कोई बातें नहीं दिखाई जाती, क्या वो अपना स्टेटमेंट ही जारी होता है कि वहां पर क्या होता है, उस किस्म की बातें। आप निश्चित तौर पर तीन ऐसी चीजें जिसके अंदर एक टेररिज्म तो है ही है, लेकिन आप बात मानिए कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, और वाटर सेविंग के जो पानी बचाने के क्षेत्र में, इन तीन चीजों के एरिए में हम कम से कम इसराइल के साथ सहयोग करेंगे तो जो भारत की भी परिस्थितियां हैं, हमारे पास हर किस्म का इलाका है, किसी इलाके में हमारे पास पानी ज्यादा है, किसी इलाके में हमारे पास बाढ़ आती है, किसी कोई इलाका हमारा रेगिस्तानी है, कोई इलाके हमारा तपता ज्यादा है, किसी इलाके में ठंड ज्यादा पड़ती है, तो कम से कम आज उसने जितनी तकनीकी रूप से उन्नत किया है, और इसराइल इस मामले में नहीं जाना जाता कि वो बड़े हथियार बनाया जाता, हथियार बनाने के लिए दुनिया के और भी कई देश हैं जो इसराइल से ज्यादा आगे, लेकिन कृषि के मामले में इसराइल से आगे किसी और देश को नहीं माना जाता। तो और हम कृषि प्रधान देश है, इसराइल की 60% आबादी कृषि पे डिपेंड है, हमारी अधिकतम आबादी भी कृषि पे डिपेंड है, तो जो कहीं ना कहीं देश का आधार है वो कृषि वहां पर भी और यहाँ पर भी, तो उस चीज में निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा। इस पे सवाल पूछ लेते हैं जी, दुर्गेश शर्मा क्या कहेंगे आप? रिजवान भाई, हिदायतुल्लाह जी जो अपना पक्ष रख रहे हैं वो उनको उनकी पार्टी ने बताया है, वो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आपको भी तो पार्टी ने बताया होगा, आप छोड़िए रहे सब बातें, मुझे लगता है पार्टी का ही तो पक्ष रखने आते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ईमानदारी ये है कि राष्ट्राध्यक्ष यदि कहीं जा रहा है, जो मैंने बोला, तो वह वहां पर जाके कई बार मीडिया से भी मुखातिब होते होंगे, या राष्ट्राध्यक्ष जो भी वहां पर कुछ करके आते हैं उसका रिजल्ट भी देश को दिखाना पड़ता है। हमारे यहाँ देश में कोई रिजल्ट देखने को मिल नहीं रहा है,
इसलिए सवाल उठता है कि अपन पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और हो क्या रहा है। और जो आज इसराइल की बात आ रही है कि यदि केवल हमारा उनसे ज़्यादातर संबंध सैन्य ताकतों में और सैन्य सामानों में रहा, तो फिर अभी क्यों ऐसी स्थिति निर्मित करने की ज़रूरत पड़ गई। और अब ठीक है, वो गए हैं, आने वाला समय धीरे से बताएगा, समय पे अपने को समझ में आएगा कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ या क्या रहा। पर ये मैं फिर ये बात कहूँगा कि वाकई में ये बहुत संभल के चलने वाला कदम है और इसमें थोड़ी सी गलती नहीं, वो कह रहे हैं बहुत तरह की तकनीक है, मौसम के अनुकूल क्या बेहतर ढंग से किया जा सकता है, वो कृषि प्रधान है, हम कृषि प्रधान है, प्रधानमंत्री वो सारे तरह की चीजें वहां लेने गए। आज की डेट में तकनीकों की बहुत सारी हो सकता है आवश्यकता हो, पर सबसे ज्यादा नौकरी की आवश्यकता है जो इसराइल में नहीं दूसरे देशों में जहां मिल सकती थी। और अरे हिदायतुल्ला आपके पास आऊंगा। इसके अलावा किसानों की आज हमारे हिंदुस्तान में जब किसानों खेती पे बड़ी चर्चा कर रहे थे, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर पूरा विचार करने की आवश्यकता है जो देश में रह के हो सकता है, विदेशों में घूमने से कुछ नहीं होगा। मैं सब जल्दी से आप भी उस पर कहें कि वो ये कह रहे हैं कि कई अन्य तरह की तकनीकों का भी लाभ मिल सकता है, आतंकवाद बाकी पहले बाकी जगह सारी कंट्रीज हो आए, प्रधानमंत्री मुस्लिम कंट्री में भी आ गए, वहाँ सम्मान भी मिला उन्हें, सर्वोच्च सम्मान नागरिक का सम्मान भी सऊदी अरब में मिला, दुबई भी गए, वहाँ मंदिर जी। मोसाद की बात आई, मोसाद का इनका कहना है कि मोसाद ने ढूंढ ढूंढ कर अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारा। सवाल ये पैदा होता है कि मोसाद ने किन लोगों को मारा? मोसाद ने उन लोगों को मारा जो फलस्तीन की बात कर रहे थे, फलस्तीन की लड़ाई अपने हक की बात कर रहे थे, उनको लोगों को मारा। इसके अलावा दुनिया में किसको मारा? सिर्फ अपने हितों को रक्षा करने के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए मतलब सब कुछ हुआ। अब जहाँ तक बात हमारे दास साहब ने कही कि फर्टिलाइजर के मामले के अंदर और सेविंग वाटर के हिसाब से और सब के हिसाब से, मतलब ये कि अगर है तो कोई उसमें हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं होता है। लेकिन सवाल ये है कि आप टेररिज्म के नाम पर अगर आप ये कह रहे हैं कि आप क्योंकि दुनिया आतंकवाद से जुड़ी, तो सबसे बड़ा आतंकवादी तो खुद इज़राइल है जो दुनिया के अंदर पूरा डिस्टर्ब किया हुआ है और उसी की वजह से ही डिस्टर्बेंस है दुनिया के अंदर। जहाँ भी आप देखिए सब अपनी अपने वजूद की लड़ाई खुद लड़ रहा है। अगर हमास की अगर बात करें तो हमास जो है आपको मौका दूंगा, अपनी लड़ाई लड़ती है लेकिन उसको टेररिस्ट मत बना दिया गया। हिजबुल्ला अपनी लड़ाई लड़ता है, उनसे उनके खिलाफ लड़ता है, उनको टेररिस्ट बना दिया गया। तो टेररिज्म अक्सर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा टेररिस्ट तो इसराइल है। अब रही बात फर्टिलाइजर की, इसकी अगर इसमें स्ट्राइकियत होती है, अगर इसमें हमें कुछ अच्छी चीज़ मिलती है, दुश्मन से ही मिलती है, तो हमें लेना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप अगर टेररिज्म के मामले के अंदर, तो मुसलमानों का इस मामले या पूरे आलम के पूरी दुनिया के मतलब जो इंसाफ पसंद कंट्रीज हैं और जो मुस्लिम्स हैं, उन सबका मानना ये बात है कि इसराइल से बड़ा दहशतगर्द इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है। और जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान को संभल कर इस मामले को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 25 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, उनके जज्बा उनकी भावनाओं की बात करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ दुनिया की जो पूरी मुस्लिम कंट्री है, जो इस्लाम और जो इंसाफ पसंद कंट्री है, उसका भी लिहाज हिंदुस्तान को रखना पड़ेगा। बिल्कुल, राज सिरोठिया आप हमारे साथ जुड़े, दुर्गेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, माहिर खान आप हमारे साथ जुड़े और हिदायतुल्ला आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल यही है कि प्रधानमंत्री इसराइल की धरती पर पहुंच गए हैं, वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा निकलेगा, उसके नतीजे अच्छे होंगे, दुनिया उसको एक सकारात्मक दृष्टि से देखेगी और सब लोग मिलकर आतंकवाद से मुकाबला करेंगे। प्रधानमंत्री इसराइल की भूमि पर कुछ ऐसा संदेश, आतंकवाद को ऐसा संदेश देंगे जो पूरे देश में भाईचारा कायम करे, कौमी एकता भी कायम करे और पूरे देश क्या पूरी दुनिया पर इसका असर हो। इसराइल को भी अपनी कुछ नीतियों में परिवर्तन हो सकता है करना हो और पूरी दुनिया के साथ अगर उसे इसी तरह से शामिल होना है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से वो बहुत उत्साहित है, हो सकता है उसके अपने तौर तरीकों पर भी कुछ सवाल खड़े होते रहे हैं, उसमें भी वो कुछ बदलाव करे, पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर करे और आने वाला वक्त पूरी दुनिया में शांति का हो, शांति कायम हो और आतंकवाद के खिलाफ सब मिलकर लड़ें। आतंकवादियों को हथियार बेचने से भी इस तरह के देशों को परहेज करना चाहिए और कई तरह के सवाल हैं। इन सवालों के बीच प्रधानमंत्री की यात्रा चर्चा में है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।